But if you close your eyes. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे पेटीएम कैश फ्री में कमा सकते हैं। बिफोर वी स्टार्ट अवर वीडियो, प्लीज इंश्योर दैट योर पेटीएम अकाउंट हैज बीन लिंक्ड विद केवाईसी। पेटीएम अकाउंट केवाईसी से लिंक नहीं है तो आपको लिंक करना पड़ेगा, नहीं तो आपका पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं आएगा। पहला ऐप टास्कबार, ये ऐप बहुत ही अच्छा ऐप है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ये ऐप हर हफ्ते के 10 रुपये देता है और महीने के 40 रुपये देता है। जैसे आप देख सकते हैं मेरा बैलेंस अभी 18 रुपये बता रहा है इसमें। इसमें आपको करना क्या होता है, बस थोड़े ऐप इंस्टॉल करने पड़ते हैं और उन्हें थोड़ी दिन के लिए रखना पड़ता है। मैं आपको एडवाइस दूंगा, जो भी ये ऑरेंज कलर में जो इंस्टॉल बटन बता रहे हैं उन्हें इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि इंस्टॉल करके आपको बस रखना पड़ता है। इंस्टॉल पे दबाएंगे तो आप नए प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहाँ पे इंस्टॉल दबाना। बस बहुत ही इजी टास्क है, बस 7 दिन के बाद आपको इस ऐप को वापस खोलना है और ऐप के पैसे कलेक्ट करने हैं। आपको एटलीस्ट 30 रुपीज़ चाहिए रिडेम्पशन अकाउंट के लिए। अगर आपके पास 30 रुपीज़ नहीं तो आप पेटीएम में नहीं डाल सकते। दूसरा ऐप डाटा बैक, यह ऐप बहुत ही अच्छा ऐप है क्योंकि अगर आप किसी एप्लीकेशन पे कुछ डाटा खर्च करते हैं तो ये आपको हर दिन का 45 MB आपको डाटा रिफंड करता है। बस आपको करना है कि वो जो आपको एरोप्लेन जैसे साइन दिख रहा है उस पर दबाना है और ये आपको हर एक बार पे 10 MB रिफंड करेगा। आप ऐसे दिन में 45 MB तक कलेक्ट कर सकते हैं। आप इसमें स्पिन करके जीत भी सकते हैं, आपको रोल का 2 स्पिन मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा स्पिन चाहिए तो आपको एक ऐप इंस्टॉल करके उसे रजिस्टर करना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। और आपको अगर रिडेम्पशन करना है तो आपको बस पेटीएम अकाउंट का नंबर डालना है और उसमें आपको सिलेक्ट करना है कि आपको 5 रुपये वाला पेटीएम कैश चाहिए कि 7 रुपये वाला। 7 रुपये वाले में क्या होगा कि आपको 2 ऐप इंस्टॉल करके रखने पड़ेंगे और उन्हें रजिस्टर करना पड़ेगा। थर्ड वेबसाइट है पेबॉक्स। पेबॉक्स ऐसा तरीका है जिससे आप पेटीएम कैश इजीली कमा सकते हैं। ये आपकी ऐसी वेबसाइट है जिसपे आपको बस गेम खेलना होता है या पोल पे आपको वोट देना होता है और आपको पैसे मिलते हैं और 100 रुपीज़ कंटिन्यूस लॉगिन के मिलते हैं। जैसे यहाँ दिखा रहा है, इसमें आप गेम खेल सकते हैं, पोल दे सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको एक गेम खेल के दिखाता हूँ। इसमें आपको 25 चांसेस मिलेंगे गेम खेलने के और हर गेम जीतने पर आपको 25 पैसे मिलेंगे। इसमें आप मोस्टली चांसेस है कि आप जीत सकते हैं क्योंकि ये वेबसाइट एटलीस्ट आपको 3 रुपीज़ पर डे देती है। देखिए मैं जीत गया, तुक्का लगाया मैंने, देखिए मैं जीत गया। दूसरा तरीका है, इसमें आप पोल डाल के आप पैसे कमा सकते हैं। एक पोल पे दबाना है और आप आपके सामने एक पोल आ जाएगा जिसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे। अगर आपने जो जिस ऑप्शन पर क्लिक किया है उसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं तो आप जीत जाएंगे और पोल और आपको 25 पैसे थ्रू ईमेल नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि आपके पेबॉक्स अकाउंट में आ चुके हैं। ये बहुत ही इजी तरीका है, इसमें मिनिमम रिडेम्पशन अमाउंट 50 रुपीज़ होता है और आपको ऑलरेडी 20 रुपीज़ डले हुए आते हैं अगर आप न्यू यूज़र हैं। अब अपने दिन के 15 मिनट अगर आप इन तीनों पे आप लगाएंगे तो आपको हर महीने का 105 रुपये आराम से मिल सकता है और इसे ज़्यादा नहीं मिल सकता है। अभी मैं आपको हिसाब लगा के बता रहा हूँ कैसे आप 105 रुपये हर महीने कमा सकते हैं। पहला आपको ट्रांसफर का 40 रुपये आराम से मिलेगा एक महीने का, तो आप 4 × 10 करेंगे 40 रुपीज़ इसका मिल जाएगा। डाटा बैक का हर 10 दिन का आपको 5 रुपये भी मिलेगा और 7 रुपये मिलेगा। आपको जो प्लान लेना है लीजिए, आपको 5 रुपये वाला मोस्ट प्रोबेबली सब लोग 5 रुपये वाला ही लेंगे, तो हम 3 × 5 करेंगे 55 रुपीज़ और पेबॉक्स का आराम से 50 रुपीज़ मिलेगा, तो आपको हर महीने का 105 रुपये मिल जाएगा। ये कैश एब्सोल्युटली फ्री है, आप इसे पॉकेट मनी एज यूज़ कर सकते हैं।